देश में एक बार फिर से चुनावी माहौल बना हुआ है। गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी को लेकर नेता अपनी अपनी पार्टियों के लिए जी तोड़ मेहनत करने में जुट गए हैं। कई युवाओं को नई जिम्मेदारी मिल रही है तो कई ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने का जिम्मा सौंपा जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की तरफ से राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष धीरज सिंह को गुजरात चुनाव प्रभारी बनाकर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी को उम्मीद है कि ये अपनी भूमिका को जिम्मेदारी पूर्वक निभाएंगे और अपने क्षेत्र से अच्छे कैंडिडेट को विजयी बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। प्रभारी बनाने के बाद दिल्ली आए बीजेपी नेता धीरज सिंह ने मीडिया से बातचीत की और गुजरात में बीजेपी की जीत को निश्चित बताते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। देखिए उन्होंने आगे क्या कहा। सर, अटल हिंदू फाउंडेशन की तरफ से आपको गुजरात चुनाव में प्रभारी बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि अटल भारतीय हिंदू फाउंडेशन की तरफ से गुजरात विधानसभा के सभी सीटों पर हमको प्रभारी नियुक्त किया गया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं संगठन को। सर, गुजरात में टक्कर कांटे की लग रही है, आपको क्या लगता है, आम आदमी पार्टी कहीं टक्कर में है या नहीं? देखिए, अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है और तमाम दलें हैं, बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी भी है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में सब अपना रणनीति तैयार करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 27 वर्षों से सरकार है, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी गुजरात मॉडल को लेकर के पूरे प्रदेश में हम लोगों ने 18 से 20 प्रदेश में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी का, आम आदमी पार्टी का वहाँ ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। गुजरात की जनता भली भूति जानती है कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी के साथ में है कि अन्य दल के साथ में है, इसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग है और 8 दिसंबर को सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक यूथ के आप रिप्रेजेंट करते हैं, आप जो टिकट का वितरण होगा या जो कैंडिडेट होंगे उनमें आपके हिसाब से क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो आप सोच के चल रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूथ लोगों पे ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और जहाँ तक मानना है कि गुजरात की पार्लियामेंट्री की बोर्ड और केंद्र की पार्लियामेंट्री की बोर्ड जो भी निर्णय लेगी वो सर्व समाज को, प्रदेश को हित में लेगी, ऐसा हमारा और हमारे संगठन का कहना है। साथ ही देख रहे हैं कि और राज्यों में भी चुनाव हैं, दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव है, दिल्ली में भी आप आते जाते रहते हैं, क्या लगता है चुनावों में कुछ ऊंच नीच हो सकती है या फिर बीजेपी एक तरफा आ रही है सभी जगह? देखिए, दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के बारे में तो मैं अभी उतना कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, ये हमारा और हमारे संगठन का कहना है। एक संदेश जो आप गुजरात के वासियों को देना चाहेंगे कि क्यों बीजेपी को फिर से एक बार मौका दिया जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का समय है। भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जो देश के इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हम लोगों ने 2014 में गुजरात मॉडल को लेकर के ही पूरे प्रदेश में और केंद्र में सरकार बनाए थे। इसलिए गुजरात की जनता को ये चीज़ मालूम है कि अगर गुजरात से निकल कर हमारे यहाँ का सीएम माननीय मोदी जी अगर गुजरात मॉडल लेकर के पूरे प्रदेश में, केंद्र में भी सरकार बनाए और 18 से 20 राज्यों में सरकार बनाए हैं तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः एक बार 2022 में गुजरात में बन रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है।